नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। नमामि गंगे अभियान के तहत जनपद पंचायत धर्मपुरी की ग्राम पंचायत खलघाट खलबुजुर्ग द्वारा गंगा दशहरे पर नर्मदा की महाआरती का आयोजन किया गया था। इस महाआरती में धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, मनावर एसडीएम राहुल गुप्ता, धर्मपुरी तहसीलदार सहित जनपद सीओ मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी 52 ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ ने उपस्थित होकर मां नर्मदा की महाआरती का लाभ लिया। इसके पूर्व पंडित विद्वानों के द्वारा यजमान कलेक्टर जो कि सपत्नीक पहुंचे थे, पूजा अर्चना करवाई गई। साथ ही जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों सहित नर्मदा पट्टी क्षेत्र के लोगों की सुख शांति की कामना की। वही जिलेवासियों को गंगा दशमी की शुभकामनाएं भी दी। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पहले तो गंगा दशहरा के अवसर पर माँ नर्मदा नैया का प्रणाम करते हुए, माँ गंगा का प्रणाम करते हुए पूरे हमारे ज़िले के एक एक व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए, इसी संकल्प यही आशीर्वाद लेने मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ खलघाट के तट पे। और माँ नर्मदा से यही प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और पूरी नर्मदा पट्टी के गाँव में रहने वाले सभी लोग उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। और आज मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूं कि अविलंब उन सबकी समस्याओं का निराकरण हो। पूरे ज़िले में रहने वाले सभी लोग, आने वाले वर्षा ऋतु में पिछली बार कुछ कठिनाई आई थी, माँ नर्मदा से भी यही प्रार्थना है कि इस बार वो कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और सभी लोगों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। प्रशासन का मुखिया होने के नाते मैं सभी को ये आश्वासन देता हूँ, किसी को भी कष्ट में नहीं रहने देंगे, खासकर नर्मदा पट्टी से लगे हुए किसी भी व्यक्ति। सर एक सवाल और था कि सर एनवीडी विभाग द्वारा लाखों रुपए खलघाट घाट के नवनिर्मित बनाने के लिए आया हुआ है, वो सर कब तक होगा? अब एनवीडी विभाग की मैं कायदे से समीक्षा करूंगा और यहाँ पे जो भी घाट निर्माण को लेकर, केवल खलघाट में नहीं पूरी पट्टी में जहाँ जहाँ जो जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता थी, दो बार चुनाव में पूरा प्रशासन उसमें व्यस्त रहा, इसलिए अब हम लोग इस दिशा में बहुत तेज़ गति से। थैंक यू सर।